Well, so hey guys, आज से लगभग एक हफ्ता पहले मैंने ऑर्डर किया था पोको एफ1 फ्रॉम टू गुड एंड अगर आप में से काफ़ी सारे लोग मतलब अगर नहीं आप में से काफ़ी सारे लोग टू गुड से फोन ऑर्डर करना चाहते हो स्पेशली भाई पोको एफ1 बिकॉज एक 20,000 का फ़ोन लगभग 7-8,000 में मिल जाता है टू गुड के ऊपर जब मतलब कभी कभार ऑफर आता है और यही सिमिलर काम मैंने भी किया और जो ऑर्डर होता है भाई वो करने से पहले मन के अंदर बहुत सारा डर होता है भाई मतलब फोन आएगा कि नहीं बॉक्स के अंदर फोन मिसिंग तो नहीं होगा और भी ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन एंड डर हमारे मन में रहता है तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है जितने भी डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर हो जाए एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था टू गुड के ऊपर वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलो करते हैं हमारा सेकंड टाइम अनबॉक्सिंग पोको एफ1 का जो कि टू गुड से आया था। हमारा सील जो कटा हुआ है सब कुछ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया था लेकिन आप लोगों के लिए फिर से एक बार करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा भाई मैंने पहले से अनबॉक्स करके रखा था तो यहाँ पे सील जो है कटा हुआ है ठीक है मतलब वो देखो हमारा बिल एंड ये आ गया हमारा फ़ोन। तो फ़ोन जो है प्लास्टिक के अंदर होता है बट नहीं है अब प्लास्टिक गुम गया और ये कुछ वारंटी कार्ड्स फोर्स की तरफ से 6 महीने का वारंटी आई डोंट नो कैसा मतलब वारंटी का जो सर्विस है भाई मतलब जो सर्विस है उनका कैसा है। तो फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर कुछ खास स्क्रैचेज नहीं है एंड कैमरा लेंस भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कोई स्क्रैचेज नहीं है बाकी पीछे साइड पीछे के साइड में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज है एंड छोटे मोटे डेंट्स हैं इस फ़ोन के अंदर जो कि ठीक है चलता है मतलब 20 स्क्रैचेज उन्होंने बोला है बट उससे ज़्यादा ही स्क्रैचेज है बट स्टिल चलता है मेरे लिए एंड फ़ोन के लिए हमने ओपन ठीक है पहले से हमने सेटअप करके रखा था और ये है गूगल कैमरा 8.1 और मे बी 7.6 जो कि एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड अगर आप इस फ़ोन को पबजी खेलने के लिए या फिर गेमिंग करने के लिए बाय करने के बारे में सोच रहे हो पबजी आने वाला है बहुत ही जल्दी पबजी नहीं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो भी है भाई खेलने के लिए या फिर भाई कैमरा के लिए बाय करने वाले हो तो प्लीज़ 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 मैं जो बातें बोल रहा हूँ इनको हो सके तो लिख लो एंड जब फ़ोन अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर से चेक कर लेना। पहला चीज़ आपका बैक कैमरा फ्रंट कैमरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जायरोस्कोप सेंसर माइक्रोफोन स्पीकर वाइब्रेशन मोटर मतलब जो सिम कार्ड का नेटवर्क आ रहा कि नहीं भाई वो चेक कर लेना बैटरी कैसा दे रहा है ये चेक कर लेना एंड ये भी चेक कर लेना कि भाई आपका जो स्क्रीन दिया गया फ़ोन के ऊपर वो जो स्क्रीन रिप्लेस भी हो सकता है ठीक है तो क्या स्क्रीन का क्वालिटी अच्छा है या फिर नहीं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके साइड से चेक करके मतलब जो पिक्चर एकदम सही दिख रहा है ना कहीं नेगेटिव तो नहीं दिख रहा ये सब चीज़ों को ज़रूर से चेक कर लेना एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप अनबॉक्सिंग टाइम वीडियो करना मत भूलना प्लीज़। तो देखो मैंने यहाँ पे फ़ोन को गुड कंडीशन में ऑर्डर किया था तो इसीलिए मुझे एक फ्लिपकार्ट का चार्जर मिला जो कि 10 वॉट का है। मैंने सोचा था एकदम बेकार होगा बट नहीं अच्छा चार्जर है चार्ज कर देता है अच्छे तरीके से अच्छा स्पीड से चार्ज कर देता है ठीक है एंड आपको एक टाइप सी केबल मिल जाता है और मैं रिकमेंड करूँगा भाई आप एक MI का चार्जर खरीद ले उनके साइट से मी के साइट से मी स्टोर से जो 300-400 रुपये का पड़ता है उससे क्या होगा आपका जो बैटरी का लाइफ स्पैन है भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आपका बैटरी है ज़्यादा दिन जिएगा टिकेगा ठीक है। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन का जो बॉक्स है कम्प्लीटली अनबॉक्स कर लिया था एंड उसके बाद जो ये फ़ोन है ऑन नहीं हो रहा था और फिर मैं भाई थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि भाई फ़ोन को फिर से रिटर्न करना पड़ेगा क्या झमेला यार। उसके बाद जाके मैंने फ़ोन को चार्जिंग के ऊपर लगाया एंड फ़ोन जो है ऑन होने में लगभग 5 मिनट लगा दिया। 5 मिनट के बाद मैंने फ़ोन को सेटअप किया और फ़ोन का जो पूरा का पूरा मैंने सेटअप किया वो 0% चार्ज में किया ठीक है 0% चार्ज ऊपर दिखा रहा था एंड फ़ोन का मैंने पूरा पूरा सेटअप किया देन 1% चार्ज होने में लगभग 5 मिनट लग गए। वेल अगर आपको इस पोको F1 से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपका कोई भी सवाल है इस फोन से रिलेटेड आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड बाय।